بس پنٛنِس یُس تِمو چھِ تِم تِم چھِ مُلٲزِم آسان تِم چھِ سورچہِ کَمٕے وۄزٕج روزان یِتھ کٔنۍ روزٕ کَتہِ ییٚتہِ چھِ اَکھ دَرواز یَپٲرۍ کِنۍ برٛونٛہہ برٛونٛٹھ چھِ بیٚکِس فریٖقَس منٛز تَتھ ڈَبٕے برٛٲڈ یَتھ چھُ مےٚ ٹاڈ گوٚمُت برٛونٛہہ یَتھ بہٕ بوٗٹھ تھاو سورُے یوٗت کینٛہہ آو مےٚ پٮ۪ٹھ حرام گورمٮ۪نٛٹُک کانٛہہ حِساب جی آپ کا نام غلام الدین بانڈے کیا کہیں گے آج آپ ضلع انتظامیہ سے اور گورنمنٹ انتظامیہ سے جناب ہم عرض کرتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ کہتی ہے ہم غریبوں کو اٹھائیں گے غریب کو اٹھائیں گے غریب کا طرف کچھ دیکھتا نہیں اور میں ایک مطلب ناچیز غریب ہوں میرے طرف کوئی نہیں دیکھتا میرا مکان ٹوٹا ہے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے اگر آتا ہوں ادھر تو کرایہ پر رہتا ہوں ادھر اگر ادھر آتا ہوں لوگوں کے گھر میں کسی کے کمرے میں آگ جلا کر ٹائم پاس کرتے ہیں بچے دو یہ چھوٹے ہیں لڑکی تھی بڑی وہ میں نے تین لڑکی بیچ دی مزدوری کے پیسے پر میں ٹائم پاس کرتا ہوں اور گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے میرے پر حرام ہے آج تک کوئی پیسہ مطلب گورنمنٹ کی کوئی مدد ملی جو بھی کیا اپنی مزدوری ہاتھوں کے مزدوری سے کیا ہے آج تو میں دوائی کے زور پر مطلب کھڑا ہوں تو ان بچوں کے لیے سوچتا ہوں اگر کوئی زندگی بن جائے تو ٹھیک ہے تو اس لیے میں عرض ہے یہ ہے کہ گورنر صاحب سے بھی تو مودی صاحب سے بھی تو ڈی ایس پی ایس ڈی سی صاحب کو بھی عرض کرتے ہیں کہ بھائی غریب کے کوئی نظر نہیں مطلب کوئی نہیں دیکھتا ہے کوئی نہیں توجہ دیتا ہے کہ اس غریب کو مطلب اٹھائیں گے غریب کو دبانے کے لیے کر رہے ہیں جن کو روزگار ہے آمدن ہے ان کا ملتا ہے ان کا بندوبست کرتے ہیں غریب کے لیے کچھ نہیں دیکھتے اور ڈی سی صاحب آ کر خود بھی موقع دیکھ سکتے ہیں کہ حالت کیا ہے اس سے پہلے کسی سیکٹر کے پاس جاؤ کبھی بھی سیکٹری سے گیا ان پینچو کے ساتھ گیا پینچو کو بولتے ہیں بھائی یہ اس لسٹ میں نام گیا ہو گیا یہ دوسرے لسٹ میں آئے گا تیسری لسٹ میں آئے گا ایسے ایسے کرتے کرتے ٹائم پاس ہو گیا چلو گے میرے کو پانچ سال میرے کو در بدر ہو گئے نہ گھر نہ بار وارڈ نمبر 3 صاحب جیاں تو اسی ہندوستان میں رہنے والا ہوں میں کوئی پاکستانی نہیں ہوں کہ میری طرف کوئی دیکھتا نہیں اسی ہندوستان میں مطلب عمر گزاری اب تو عمر جا رہی ہے اب بچوں کے لیے دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا
इनके लिए कोई गुजारा नहीं है। ये भी आते हैं परेशान हो जाते हैं, भाई रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। तो ये अर्ज है मेरी सबके लिए। जी आपका नाम? मेरा नाम मंजूर अहमद बांडे है, मैं सब्जियाँ का रहने वाला हूँ, सब्जियाँ ये वार्ड नंबर 3। हम ये बॉर्डर के लोग हैं, बॉर्डर पे रहते हैं। इधर इधर हमें हमें मकान भी नहीं है, मकान शकान था इधर, ये टूटा हुआ आपने देखा होगा मकान हमारा, इसकी कंडीशन क्या है। हम सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच भी नहीं हमारी सुनता, मेम्बर को बोला मेम्बर भी नहीं, कभी बोलते हैं आज चढ़ाएंगे आपका मकान, कल चढ़ाएंगे, कभी लिस्ट में नाम नहीं आता, कभी कुछ, ऐसे करते करते हमें 5 साल हो गए। ये मेरे वालद साहब थे, इन आपने देखे होगी इनकी कंडीशन क्या है। हम ऐसे दिन दिन निकाल रहे हैं, बस इधर आते हैं, इधर हमारा गाँव है या सब्जियाँ में रहते हैं, तो इधर जब हम आते हैं इधर आई नहीं, हमें मकान शकान आई नहीं, मकान की कंडीशन देखा। जिनके पास मकान है उनका नाम आ रहा लिस्ट में, हमारा नहीं आ रहा। जब हम उनको बोलते हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं आया लिस्ट में, बोलते हैं जी आपका कुछ फॉल्ट है, ये है, अब आधार कार्ड नहीं चल रहा, अब कुछ है ऐसे वैसे। हम बोलते हैं कि हम इधर ही रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले। मेरी DC साहब से गुजारिश है कि हमारे मकान की तरफ देखा जाए, क्योंकि ये कंडीशन बहुत बुरी है हमारे घर की। आपने खुद देखा, DC साहब खुद आके ग्राउंड लेवल पर देख सकते हैं क्या काम हो रहा है। जिसका जो जिनके मकान है चढ़े हुए, उनका दोबारा दोबारा आ रहा है, जिसका ज़रूरी है देना उसका आ नहीं रहा। मैं बोलता हूँ कि मोदी साहब से हमारी अपील है ये कि, क्योंकि सबको मिलना चाहिए, अगर हमें, हम भी हिंदुस्तान के, हमें भी हक मिलना चाहिए, इसलिए हम सोचते हैं कि चलो हमें भी कुछ मिले, इसलिए आज हमें आना पड़ा है मीडिया में, क्योंकि ये समा ये दें। जी जी आपका नाम? मेरा नाम सर मोहम्मद असलम शेख, वार्ड नंबर 3, सावजिया पंचायत ए। आपने आज यहाँ खुद इस जगह का आपने मुआयना किया, ये नवाब क्या गुलाम मईदीन बांडे जो हैं, इनकी आपने मकान की कंडीशन देखी है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जनाब मोदी जी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें निकाली हैं। उन्होंने जबकि आपने UT में एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है हो, उन्होंने अफसरों को हिदायत दी है कि ऐसे लोगों की निशानदेही की जाए जो बेघर हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे भी कोई बेघर होगा। आपने यहाँ खुद देखा है और ये 4-5 साल से यहाँ कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा PMAY आएगा, कल हमारा PMAY आएगा, मगर इनका PMAY कभी नहीं आया। अगर ये किसी सेक्रेटरी के पास चले जाते हैं, वो बोलते हैं जी आपका रिकॉर्ड में नाम नहीं है, आपका लिस्ट में नाम नहीं है। मैं उन मुलाजमों से पूछना चाहता हूँ पंचायत के, रिकॉर्ड आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, तो इनका नाम क्यों नहीं चढ़ता है? अगर आप काम करना चाहते हो ग्राउंड पे, क्या आपने कभी यहाँ पंचायत के अफसरों से, मैं पूछना चाहता हूँ, JRS हो, सेक्रेटरी हो, मैं BDO साहब से भी पूछना चाहता हूँ, आप कभी इधर सपोर्ट पे आए? आपने यहाँ की हालात देखी? आपने इनको कभी बोला कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है? कुछ नहीं बोला है, इसलिए ये नज़रअंदाज कर रहे हैं। और मैं BDO साहब से, मैं ACD साहब से ये गुजारिश करता हूँ, फिल-फोर जो है यहाँ एक टीम भेजी जाए और इस मकान का जो है जायज़ा लिया जाए। अगर नहीं, ये एक मेरी वार्निंग है BDO साहब और ACD साहब को, अगर ये ऐसा नहीं हुआ, मैं जब भी यहाँ DC साहब का दरबार होगा, जब भी DC साहब यहाँ सावजिया में DC साहब की विजिट होगी, और मैं DC साहब को खुद मौके पे लाके यहाँ इनकी कंडीशन सब बताऊंगा। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने यहाँ मौके पे आके सब कुछ देख लिया। मुझे लग रहा है कि इसमें DC साहब को या BDO साहब को इसमें नज़रसानी करके इनको जो है अपना हक दिलाया जाए। इनका नाम क्यों नहीं चढ़ता, क्या वजह है? वो मुलाजमों का काम है, वो सेक्रेटरी का काम है, क्या है क्या नहीं? इन गरीबों को इतना इतना भी नहीं कुचला जाए, ये पहले ही कुचले हुए हैं। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ।